हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टैंडर्ड थ्री। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं ओपन स्पेयर एंड क्लोज स्पेयर मैट्रिक स्पेस का, जो कि महत्वपूर्ण टॉपिक है। इससे पहले हम आपको बता दें कि हम आपको कौन कौन सी वीडियो प्रोवाइड कराएंगे और हमने आपको कौन कौन सी वीडियो भी प्रोवाइड कराई है अभी तक। तो सबसे पहले हमने आपको वीडियो बताई थी मैट्रिक स्पेस में डेफिनेशन और उसके एग्जांपल पर, और फिर मैंने सेकंड बताया था कि यूजर मैट्रिक स्पेस और डिस्क्रिमेटिक स्पेस को कैसे प्रूव करते हैं, और भी एक दो एग्जांपल मैंने इसमें बताए थे प्रूफ सहित। और फिर हमने थर्ड वीडियो बनाई थी कि डायमीटर एंड डिस्टेंस बिटवीन टू सेट्स एंड डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड सेट के बारे में बताया था, मैंने एग्जांपल भी दिया था। और ओपन स्पेयर और क्लोज स्पेयर की वीडियो आज आपको प्रोवाइड कराई जा रही है, ठीक है। उसके बाद फिर हम आपको प्रोवाइड कराएंगे ओपन सेट, क्लोज सेट एंड बाउंड्री सेट के बारे में वो बताएंगे, और इसके क्या कहते हैं एग्जांपल भी आपको कराएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास थ्योरम रिलेटेड 4 एंड 5 का मतलब हुआ कि 4 एंड 5 का मतलब हुआ कि ओपन स्पेयर और क्लोज स्पेयर, ओपन सेट, क्लोज सेट एंड बाउंड्री सेट से रिलेटेड जो थ्योरम होंगी उनको, इंपॉर्टेंट थ्योरम उनको हम कराएंगे, ठीक है। 7 में लिमिट पॉइंट है जिसको हम एड्रेन पॉइंट, सॉरी लिमिट पॉइंट जिसको हम लोग एक्यूमुलेशन पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। तो वो एंड डेराइव सेट विद एग्जांपल, मतलब आपको ये कराया जाएगा एग्जांपल सहित, ठीक है। और नेबरहुड पॉइंट विद एग्जांपल, नेबरहुड पॉइंट आपको एग्जांपल से बताया जाएगा। एंड थ्योरम रिलेटेड 7 एंड 8, और फिर इनसे रिलेटेड जो थ्योरम होंगी उनको कराया जाएगा आपको। आप याद रखें मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट थ्योरम ही बताऊंगा आपको और कुछ नहीं, ठीक है। लास्ट जो हमारे पास वीडियो आने वाली है वो क्लोजर एग्जाम्पल से बताएंगे हम आपको, और हिल्बर्ट स्पेस जिसको मेल्टू स्पेस भी नाम देते हैं उसका प्रूविंग समझाएंगे। तो हमारे इस मैट्रिक स्पेस में टोटल 11 वीडियो बनने वाली हैं, जिसमें से हम आपको 3 वीडियो प्रोवाइड करा चुके हैं और चौथी वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप मेरे साथ बने रहने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर लें। तो चलो देखते हैं कि क्या होता है। फ्रेंड्स, जैसे मुझे ओपन स्फीयर या क्लोज स्फीयर ड्रा करना है, सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, स्पेस लेना पड़ेगा, ओके। तो स्पेस मैंने लेट कर लिया है, वो मेरे पास स्पेस क्या हो गया, एक्स स्पेस हो गया, ठीक है। स्पेस लेट कर लिया जिसको मैंने एक 2D प्लेन में इसको दिखाया है, मान लो ये एक्स वाई मेरा कोई एक 2D प्लेन है जिसको मैंने एक इसमें ड्रा कर लिया स्पेस, ठीक है। अब इस स्पेस में मुझे एक स्फीयर ड्रा कर लेना है, एक स्फीयर ड्रा करना है, और मुझे डिस्कस करना है कि ये ओपन स्फीयर है क्लोज स्फीयर है। अगर हमको स्फीयर ड्रा करना चाहते हैं फ्रेंड्स, ये स्फीयर बोल सकते हैं, बॉल बोल सकते हैं आप, अगर मैं इसको बॉल ड्रा करना चाहता हूं तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए, एक एक्स नॉट क्या चाहिए, मुझे एक सेंटर चाहिए, राइट। मुझे एक सेंटर चाहिए और एक रेडियस चाहिए, और रेडियस कैसी होनी चाहिए, पॉजिटिव रेडियस, क्योंकि आपको पता है कोई भी डिस्टेंस जो होती है वो पॉजिटिव होती है। तो सेंटर पहली बात तो हमारा क्या निकला है कि जो एक्स नॉट हो रहा है वो बिलोंग कर रहा है किसमें, एक्स में, और दूसरी बात क्या है मेरे पास जो रेडियस होगी वो क्या होगी, बी ऑलवेज पॉजिटिव। ये बात समझ आएगी फ्रेंड्स। तब अगर मैं ओपन स्फीयर की बात कर रहा हूं तो ओपन स्फीयर की डेफिनेशन क्या होगी या कंडीशन क्या होगी, और क्लोज स्फीयर की कंडीशन क्या होगी। तो पहला काम क्या है कि अगर ओपन स्फीयर के लिए डेफिनेशन बताना है तो हम क्या बताएंगे, लेट एक्स डी बी ए मैट्रिक स्पेस। पहले तो आप क्या करेंगे, मैट्रिक स्पेस लेट करेंगे और फिर सेंटर को डिफाइन करेंगे, जो सेंटर कहां बिलोंग करेगा, एक्स में बिलोंग करेगा, और रेडियस डिफाइन करेंगे, जो रेडियस का होगी पॉजिटिव होगी। तब आप कंडीशन बताएंगे और नोटेशन भी बताएंगे। तो पहले हम आपको नोटेशन बताते हैं, इसको किससे नोटेट करते हैं, और फिर इसके डेफिनेशन और कंडीशन को बताते हैं, ओके, और फिर इसको एग्जांपल को देखते हैं, ठीक है। तो हम पहले देखते हैं इसको किससे मतलब नोटेट करते हैं, किसको, ओपन स्फीयर को। तो ओपन स्फीयर को जो नोटेशन होता है वो होता है एक्स आर एक्स नॉट बोल सकते हैं इसको हम, ठीक है। ओपन में एक्स नॉट होता है हमारा, ये बात याद रखना है, ये ओपन है, या फिर इसको ऐसा लिख सकते हैं कि एक्स नॉट ये ओपन स्फीयर, ठीक है, एट सेंटर, एट द सेंटर एक्स नॉट विद रेडियस आर, इसको ऐसे पढ़ते हैं, या फिर इसको बोल सकते हैं ओपन बॉल, ओपन बॉल भी चलता है, ओपन स्फीयर बोलो या फिर ओपन बॉल एट द सेंटर एक्स नॉट विद रेडियस आर, ये भी बोल सकते हैं, या फिर हम इसको बोल सकते हैं ओपन बॉल, पढ़ेंगे वैसे ही बस नोटेशन चेंज हो जाएगा, ओपन बॉल एट द सेंटर एक्स नॉट विद रेडियस आर, ओके। तो इसको ऐसे पढ़ते हैं। अगर मैं इधर ही बात करूंगा क्लोज्ड के लिए, तो क्लोज्ड के लिए भी मैं बता दूंगा कंडीशन, बस याद रहे कि थोड़ी सी कंडीशन में परिवर्तन कर दिया जाता है ओपन और क्लोज में, बाकी लगभग सिमिलर होते हैं, थोड़ा ध्यान देना है आपको। मैं अभी आपको ओपन बता रहा हूँ, चाहे क्लोज हो चाहे वो ओपन हो, स्फीयर तो हमें ड्रा करना पड़ेगा। तो स्फीयर के लिए इतनी कंडीशन तो आपको बतानी ही पड़ेगी, बस नोटेशन में आपको चेंजेस करने और कंडीशन में आपको चेंजेस करने, यानी कि चाहे ओपन स्फीयर की डेफिनेशन बताएं चाहे क्लोज स्फीयर की डेफिनेशन बताएं, आप एक बात तो कॉमन रखेंगे कि हमें जो मैट्रिक स्पेस को डिफाइन करना पड़ेगा, हमें सेंटर को डिफाइन करना पड़ेगा, हमें रेडियस को सेम तरीके से डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है। बस एक्सचेंज क्या करना है, उसके नोटेशन को और उसकी कंडीशन को। नोटेशन तो मैंने आपको बता दिया है, कंडीशन एक बार देख लेते हैं, ओके। तो किसी नोटेशन के साथ मैं इसको ले रखकर चल रहा हूँ,
ये लेकर चलना है। अब मुझे अगर इसको हमें डिफाइन करना है, थोड़ा आपको सेंस लगाना है, थोड़ा ध्यान देना है इधर। अगर मैं ओपन की बात कर रहा हूँ तो ओपन ये बोलता है, ये सपोज कर लो ये हमारे पास रेडियस है, ठीक है, रेडियस की डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक हो सकती है, क्लियर है। लेकिन ओपन ये बोलता है कि ये जो रेडियस का जो लास्ट पॉइंट है उस पॉइंट को ना लेकर, यानी कि जितने भी बाउंड्री वैल्यू है इस वैल्यू को ना लेकर इसके अंदर साइड की वैल्यू, यानी कि ये बहुत ही बड़ा मान लो ये हमारे पास पॉइंट है, तो इसके बहुत ही माइनर पॉइंट भी कम लेकर आप ओपन स्पेयर ड्रा कर सकते हैं। मतलब एक ऐसा पॉइंट लेना जहां पे हम एक स्पेयर ड्रा कर लें, ठीक है। वो ऐसा पॉसिबल नहीं होगा कि हम यहाँ पे लेकर चले जाएं तो ये ओपन स्पेयर नहीं होगा। यहाँ पे थोड़ा का मतलब यहाँ पे लगभग पॉइंट ये ओपन स्पेयर हुआ, दैट मीन्स यहाँ पे ये बात निकल रही है ओपन स्पेयर के लिए कंडीशन ये निकल रहा है कि अगर मैं डिस्टेंस यहाँ पे किसी भी पॉइंट ले लूँ, वो पॉइंट मान लो एक्स ले लिया मैंने, वो पॉइंट कहाँ हो सकता है, यहाँ 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 कहीं भी हो सकता है, बस कहाँ पे छोड़कर, ये बाउंड्री को छोड़कर कहीं पे अंदर साइड हो सकता है, तो वो सब ओपन कहलाता है। वो पॉइंट क्या मैंने लेट कर लिया, वो एक्स लेट कर लिया है, ठीक है। तो अगर मैं इनके बीच के डिस्टेंस निकालूँ, किसके किसके बीच का, इस पॉइंट से और इस सेंटर का, तो क्या होना चाहिए, रेडियस से कम होना चाहिए। यानी कि अगर मैं x बोलूं वो कहाँ होगा, वो भी स्पेस के अंदर होगा, ठीक है। सच दैट अगर मैं डिस्टेंस निकालूं किसके किसके बीच में, इस पॉइंट और सेंटर के बीच में, तो क्या होना चाहिए, वो रेडियस से छोटा होना चाहिए। यही हमारा क्या होगा, ओपन स्फीयर की डेफिनेशन होगी फ्रेंड्स, ठीक है। अब मैं क्लोज स्फीयर को नोटेशन बता देता हूं, क्योंकि कंडीशन तो सेम है। मैं क्लोज स्फीयर की नोटेशन को बता दूं और उसके क्या बता दूं, कंडीशन को बता दूं, ठीक है। पहले नोटेशन देखिए, तो आपको थोड़ा ध्यान देना है कि मैं क्या बोलूंगा, क्लोज स्फीयर, स्फीयर है तो एस तो आएगा ही, अब बोल सकते हैं, ठीक है। क्लोज स्फीयर विद अ सेंटर एक्स नॉट, सॉरी, क्लोज स्फीयर एट द सेंटर एक्स नॉट विद रेडियस आर, या फिर क्लोज स्फीयर एट द सेंटर एक्स नॉट विद रेडियस आर एंड क्लोज्ड बॉल बोल सकते हैं इसको, क्लोज्ड बॉल, ठीक है, एट द सेंटर एक्स नॉट एंड विद रेडियस आर, या फिर क्लोज्ड बॉल एट द सेंटर एक्स नॉट विद रेडियस आर। तो इस तरीके से आप ले सकते हैं, कोई डाउट नहीं इसमें। मैं क्या करूंगा, अब इसका हम क्या करते हैं, एक स्फीयर ड्रा करते हैं, ठीक है। तो इसका स्फीयर ड्रा कर लेते हैं, क्लोज स्फीयर है तो उसकी कंडीशन क्या होगी वो आप समझ लें। उसकी कंडीशन ऐसी हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे हम एक पॉइंट ले रहे हैं, अब ये पॉइंट, अब यहाँ पे थोड़ा समझना है, क्लोज्ड है तो आपको क्या करना है, ये पॉइंट तो यहाँ तो ठीक है ओपन है, लेकिन अगर क्लोज है तो आपका ये बाउंड्री वैल्यू के पॉइंट भी आपके इंक्लूड हो जाते हैं इसमें, आपको ये ध्यान देना है, आपके पॉइंट भी क्या हो जाएंगे इसमें इंक्लूड हो जाएंगे, बाहर के नहीं इसके अंदर के। तो ये पॉइंट क्या होंगे, इंक्लूड हो जाएंगे, तो मतलब इसकी कंडीशन ये हो गई कि यहां से ये भी डिस्टेंस हम ले सकते हैं, जो लास्ट पॉइंट रेडियस का, ये जो हमारे पास सर्कमफेरेंस में जो पॉइंट्स होते हैं ऑल पॉइंट्स, हम उनको भी ले सकते हैं। तो यानी डिस्टेंस यहाँ पे क्या हो सकता है, तो एक्स बिलोंग्स टू, ये जो एक्स है वो कहाँ हो सकता है वो हम इस पर बात करेंगे। तो एक्स बिलोंग्स टू एक्स सच दैट, और ये मेरे पास है डिस्टेंस बिटवीन एक्स, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड एक्स नॉट, वो क्या हो जाएगा, लेस आर इक्वल टू आर हो जाएगा। मतलब ये है कि इसमें जो डिस्टेंस हम निकालेंगे उस पॉइंट का, वो क्या हो सकता है, वो ऐसा हो सकता है कि वो रेडियस से कम हो, ठीक है, इसमें ओपन स्फीयर में। लेकिन इसमें क्या होता है, रेडियस से कम भी हो सकता है और रेडियस के इक्वल भी हो सकता है। इसमें रेडियस के इक्वल नहीं हो सकता है, लेकिन क्लोज्ड में रेडियस के इक्वल हो सकता है। तो आई होप आपको पूरी तरीके से कंडीशन और डेफिनेशन समझ में आ गया होगी, नोटेशन में आपको क्या बोलते हैं डिफरेंस भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसमें ओपन इंटरवल जैसा या इसमें क्लोज इंटरवल जैसा नोटेशन रहता है, आपको थोड़ा ध्यान देना है। तो नोटेशन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात होती है नोटेशन से, ये भी आप ध्यान देना, ठीक है, और इसके डेफिनेशन को ध्यान देना, ठीक है। अब मैं चलता हूँ एग्जाम्पल की ओर और आपको एग्जाम्पल बताता हूँ और इनको देखें आप, ठीक है, समझें। तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल ले लिया है जिसमें हमारे पास क्या दिया गया है कि डी हमारे पास क्या होगा, वो बी द यूजुअल मैट्रिक स्पेस होगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया है, एक यूजुअल मैट्रिक स्पेस ले लिया है। तो आप यूजुअल मैट्रिक स्पेस बहुत अच्छे से जानते हैं, जिसमें हमें डिस्टेंस दिया होता है, वो क्या दिया होता है फ्रेंड्स, वो दिया होता है हमारे पास एक्स कॉमा वाई, और क्या दिया होता है, और यहाँ पे इसकी वैल्यू दी होती है मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई। और आपको ये पता होता है ये रियल क्या होता है, ये जो हमारा स्पेस होता है वो रियल नंबर के लिए होता है, ये बात आपको पता है, ठीक है। अब यहाँ से हम ये देखना चाहते हैं इस क्वेश्चन में कि जो मेरे पास स्फीयर ड्रा करना है, ठीक है, वो हमारे पास किसके लिए ड्रा करना है, 0.1 के लिए ड्रा करना है, और जिसमें से हमारे पास ये अलग अलग तरीके से सेंटर और रेडियस दिए गए हैं, तो हमें इनको चेक करना और स्फीयर ड्रा करना है इस स्पेस के लिए। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ से हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहला काम ये है कि पहला मैं क्वेश्चन देख रहा हूँ कि एस वन, यानी कि हमारा क्या है, ये ओपन स्फीयर है, बिकॉज इसका सिंबल देखो ध्यान से, तो आपको पता चल जाएगा, नोटेशन से ही पता चल जाएगा ये ओपन स्फीयर है क्लोज स्फीयर है, राइट। तो आपको ओपन स्फीयर फाइंड करना है, तो ओपन स्फीयर विद अ सेंटर 1/2
एट द सॉरी ओपन स्फीयर एट द सेंटर 1/2 एंड विद रेडियस 1। ठीक है, तो आपको पता हो गया कि हमारे स्पेस कैसा है। स्पेस मेरा है क्लोज इंटरवल 0.1 है, राइट। स्पेस मेरा ये हो गया क्लोज इंटरवल 0.1। स्पेस तो रियल लाइन है, लेकिन ये जो ओपन स्पेयर ड्रा करना है मुझे इसके अंदर ही ड्रा करना है। आपको ये बात पता चल गई, ठीक है। तो स्पेयर मुझे इसमें ड्रा करना है, जिसके लिए अलग अलग रेडियस और अलग अलग मुझे क्या करना है, सेंटर दिए गए, ठीक है। अब मुझे करना क्या है एक्चुअल में, तो हम क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान दें कि मैंने क्या कब बोला, इसकी डेफिनेशन पहले अप्लाई करो। डेफिनेशन क्या थी मेरे पास कि x बिलोंग्स टू x होता है, सच दैट होता है डिस्टेंस होता है x नॉट, ठीक है। कहाँ से सेंटर हमें ले रहा है, इस पॉइंट से सेंटर का डिस्टेंस निकालेंगे, जो कि क्या होना चाहिए, रेडियस से कम होनी चाहिए। ये तो मैंने सीखा है, मैं अब इसको फॉलो कराऊंगा ओपन स्फीयर के लिए, ठीक है। जिसमें मुझे क्या दिया गया, रेडियस 1 दिया गया और सेंटर कितना गया 1/2 दिया गया। तो मैं इसमें अप्लाई कर रहा हूँ, थोड़ा ध्यान देना। तो ये हो जाएगा मेरे पास डिस्टेंस, तो डिस्टेंस में मेरे पास x की वैल्यू x है, लेकिन y की वैल्यू क्या है, x नॉट, इसमें अप्लाई कर दूंगा। तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ x माइनस x नॉट, ठीक है, लेस देन r, ये हो गया। मैं इसमें अप्लाई कर दूंगा तो क्या हो जाएगा वैल्यू, तो x तो मेरे पास सही है और रेडियस मेरे पास कितना है, रेडियस मेरे पास है 1 एंड सेंटर मेरे पास कितना है, सेंटर मेरे पास है 1/2। तो मैं अप्लाई कर रहा हूँ तो ये हो जाएगी मेरे पास वैल्यू x माइनस 1/2 लेस देन r यानी कि 1। ओके फ्रेंड्स, यहाँ से वैल्यू हो गया। अब यहाँ से मॉड का मतलब होता है पॉजिटिव नेगेटिव, मतलब ये वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब हो गया। यहाँ से हम इसको ऐसे ले सकते हैं, तो इसको मैं डायरेक्टली थोड़ा राइट कर रहा हूँ, तो हो जाएगा x माइनस 1/2। वो रिलेट करेगा किसके किसी बिटवीन में, ये पॉजिटिव एंड निगेटिव के बिटवीन में रिलेट करेगा। अगर मैं कर दूँ बोथ साइड 1/2 ऐड, तो यहाँ से वैल्यू मुझे मिल जाएगी, थोड़ा ध्यान देना है, ठीक है। तो यहाँ से वैल्यू मुझे मिल जाएगी 1/2, अगर मैं ऐड करूँगा बोथ साइड तो हो जाएगा 1/2 लेस देन यहाँ पे हो जाएगा x और लेस देन यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास 1/2 में अगर 1/2 सॉरी 1 में अगर 1/2 ऐड करेंगे यानी 3/2। ये बात क्लियर हो गया। अब मुझे क्या करना है, अब ये जो x वैल्यू है मुझे इसका इंटरवल फाइंड करना है, क्योंकि मुझे ओपन स्फीयर ड्रा करना है ना। तो ओपन स्फीयर इसका क्या हो जाएगा वो थोड़ा ध्यान दें, तो ओपन स्फीयर इसका ऐसा हो जाएगा कि मैं इसको लिखना चाहता हूँ, तो मेरे जो x है वो बिलोंग करेगा, यानी जो इसके पॉइंट हो गया x के, वो कहाँ कहाँ बिटवीन में आ जाएगा, -1/2। देखो -1/2 क्या हो रहा है, जीरो किधर जा रहा है, -1/2 क्या हो रहा है, जीरो किधर जा रहा है। तो आप ये जानते हैं कि जीरो किधर तो हो नहीं सकता है, तो मतलब आपका जो स्फीयर है वो यहाँ से ड्रा होगा। ओके फ्रेंड्स, तो आपका स्फीयर क्या होगा, यहाँ से ड्रा हो सकता है, क्योंकि आपने क्या कहा कि मेरा जो स्फीयर बनेगा इस सेंटर और रेडियस के लिए वो बनेगा -1/2 से लेकर 3/2 के बिटवीन में। तो हमारा जो स्फीयर ड्रा हो सकता है वो कहाँ से होता है, जीरो से हो सकता है, यहाँ से हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ से होगा और दूसरा कहाँ तक जाएगा, 3/2 का मतलब होता है 1.5। देखो ध्यान से, तो ये इसके उभर जा रहा है, मतलब यहाँ पे समथिंग, तो मुझे यहाँ तक उठाना नहीं है। तो हमें क्या करना है, अपने रेडियस का जो लिमिट एंड सो ऑन कहाँ मिल गया हमें, 1। तो यानी कि जो वैल्यू है इस ओपन स्फीयर ड्रा करने के लिए वो -1/2 से 3/2 के बीच में है, सॉरी 3/2 के बीच में है। लेकिन मुझे जो स्फीयर ड्रा मिलेगा वो स्फीयर मुझे कहाँ से कहाँ तक मिल सकता है, 0 से 1 के बिटवीन में मिल सकता है, सॉरी 0 से 1 है इतने में मुझे ड्रा करना है। तो ये ओपन स्फीयर ड्रा होगा, मतलब ड्रा होगा कहाँ तक, वो क्लोज इंटरवल 0.1 में ड्रा होगा। बिकॉज इसलिए क्लोज इंटरवल 0.1 में ड्रा होगा क्योंकि माइनस हमारा जो स्फीयर की कंडीशन बन रही है, वो स्फीयर का जो स्पेस बन रहा है वो कहाँ से कहाँ तक बन रहा है, वो -1/2 से, जो स्पेस बन रहा है मेरे पास वो बन रहा है -1/2 से 3/2 के बिटवीन बन रहा है मेरा स्पेस। लेकिन मुझे स्फीयर मिल रहा है, मुझे स्फीयर कहां से कहां तक मिल रहा है, ये ओपन स्फीयर मुझे मिल रहा है 0.1 के लिए मुझे मिल रहा है, बस मैं रही ना। तो इस तरीके से मुझे स्फीयर ड्रा करने हैं, तो पहला स्फीयर तो मुझे मिल गया है, ठीक है। इसी प्रकार से मुझे क्या करना है, अन्य दो स्फीयर जो भी अन्य एग्जांपल्स उनको भी सॉल्व करने ला है। तो मेरा जो अन एग्जाम्पल है वो क्या है, वो है x 1/8 और ये मेरे पास जीरो सेंटर है, ओरिजिन मतलब जीरो पर, और रेडियस है मेरे पास 1/8। मुझे इस पर अप्लाई कर लेना है, तो क्या हो जाएगा, डेफिनेशन फॉलो कर लेना है इसी तरह सिमिलर, तो मैं इसको डायरेक्टली राइट कर रहा हूँ यहाँ पर। तो ये हो जाएगा मेरे पास डिस्टेंस x कामा, हमारे पास सेंटर कितना है x नॉट, मतलब कितनी वैल्यू है, जीरो, ठीक है, और लेस देन r की वैल्यू मतलब 1/8 हो जाएगा। तो यहाँ से मेरे पास जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी x माइनस नॉट लेस देन 1/8। अब मॉड रूल प्रॉपर्टी ओपन करेंगे तो क्या होगा, -1/8 लेस देन x लेस देन प्लस का 1/8। अब आपको पता है 1/8 का मतलब होता है, ये पहली बात, तो माइनस वैल्यू यहाँ से जीरो स्क्रीन डिस्टेंस स्टार्ट है, तो आपको पता हो गया कि जो स्पेयर ड्रा होगा आपको यहाँ से ड्रा होगा, क्योंकि यहाँ से तो जा ही नहीं रहा है, ठीक है। तो मैं स्पेयर ड्रा करूंगा इसके अंदर साइड से, मतलब जीरो आ गया मेरे पास।
अब 1/8, अब 1/8 क्या हो रहा है, ये हमारे पास देखो ध्यान से 1/8, तो 1 के अंदर ही है 1/8, सपोज करो 1/8 लगभग कहां पे आ रहा होगा, मान लो समथिंग यहां पे 1/8 आपको फाइंड हो रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो वैल्यू है मेरे पास ये 1 से बहुत ही छोटी है, तो मतलब ये वैल्यू और इससे भी छोटा मुझे लेना है स्क्वायर, तो मतलब इधर को जो मुझे प्राप्त होगा वो 1/8 वो भी ओपन इंटरवल में प्राप्त होगा, मतलब ये इंक्लूड नहीं है, इसके अंदर वाला साइड इंक्लूड है, तो वही मतलब ये प्राप्त हो सकता है, ठीक है। तो यहां पर जो हमारा ओपन स्प्रेड रहा होगा वो होगा हमारा क्लोज्ड ओपन में 0.1/8, राइट। तो आप समझ रहे हो ना कि यहां से कैसे हमें आपको स्प्रेड ड्रा करना है, तो मतलब आपको ये वैल्यू जस्ट करा के चलनी है, कौन सी, क्लोज इंटरवल 0.1 को लेकर चलना है, और इसके अंदर देखना है कि ये इंटरवल कहां तक एग्जिस्ट कर रहा है, फिर हमें वही उठा के रख लेना है, मतलब आपको ये इंटरवल हमें इस वैल्यू पे एग्जिस्ट कराना है, ठीक है। इससे बाहर कुछ नहीं ले सकते, इसके अंदर ही सब कुछ लेना है आपको, इतना याद रखना है, मतलब इसके बाहर कुछ नहीं लेना है, इसके अंदर ही हमें सारी वैल्यू एग्जिस्ट करानी है, आपको इतना बात याद रखना है, ठीक है। अब ओपन और क्लोज में क्या डिफरेंस है, ओपन और क्लोज में इतना डिफरेंस है कि अगर मेरे पास ये क्लोज में होता, अगर मेरे पास ये क्लोज में होता तो वैल्यू खैर इसमें यही देता, लेकिन अगर इसमें क्लोज में होता तो यहाँ पे क्लोज इंटरवल आ जाता, बिकॉज हम इसको भी इंक्लूड कर सकते थे, उसमें क्या होता है सर, बस आपको नोटेशन में क्या करना पड़ता है, इक्वल टू लगाना पड़ता है आपको, और कुछ नहीं, ठीक है। तो थोड़ा एक और क्लोज के लिए एग्जांपल देख लेते हैं, उसके बाद हम फिर फ्रेंड्स एक और ओपन स्फीयर के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, उसके बाद दो जो बचेंगे उसको अपने आप से आप कर लेना, और फिर मैं एक क्लोज स्फीयर के लिए बता दूंगा आपको, ठीक है। तो मेरे पास एक ओपन स्फीयर और मिल गया है, क्या मिल गया है, वो S 1/16 और 1/16, मतलब जो ओपन स्फीयर है एट द सेंटर 1/16 एंड विद रेडियस 1/16 इक्वल टू, मेरे पास जो डिस्टेंस हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा एक्स, मतलब ये पॉइंट कहाँ लाइज करेगा वो हमें बताना है, और साथ साथ इसका सेंटर क्या है मेरे पास 1/16 है, उसका रेडियस मेरे पास क्या है 1/16 है। अब मैं इसको लेकर चल रहा हूँ, ठीक है, देखते हैं क्या होता है। तो इसका डिस्टेंस मैं एडजस्ट करा रहा हूँ, तो हो जाएगा मेरे पास मॉड एक्स माइनस वाई, ठीक है, मॉड एक्स माइनस वाई मेरे पास हो गया, और लेस देन, तो एक्स वाई की वैल्यू रख दो इसमें, तो हो जाएगा एक्स माइनस 1/16 लेस देन, और यहाँ से हो जाएगा 1/16। मैं इसको मॉड प्रॉपर्टी ओपन कर रहा हूँ, तो वैल्यू मेरे पास क्या एडजस्ट कर जाएगी, मेरे पास हो जाएगी माइनस 1/16 और लेस देन एक्स माइनस 1/16 और लेस देन 1/16। 1/16 मैं क्या करूँ, बोथ साइड ऐड कर देता हूँ, तो यहाँ से वैल्यू मेरे सामने क्या आ जाएगी, थोड़ा ध्यान देना है इसको, तो 1/16 में बोथ साइड ऐड कर रहा हूँ, तो हो जाएगा माइनस 1/16 प्लस 1/16 एंड लेस देन एक्स लेस देन ये हो जाएगा 1/16 और प्लस 1/16। यहाँ से वैल्यू मुझे मिल जाएगी 0 लेस देन एक्स और लेस देन मेरे पास ये इधर मिल गया 2/16, मतलब होता है 1/8, राइट। अगर मैं इसका इंटरवल राइट करूंगा तो ये एक जो एक्स है मेरा बिलोंग करेगा कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगा, ये एक्स वैल्यू मुझे बिलोंग मिलेगी वो इधर ओपन है, ध्यान से देखो इधर ओपन है, क्योंकि जीरो आपका जो इंटरवल है वो क्लोज इंटरवल है 0.1, तो आपको पता है कि ओपन स्फीयर आपका यहाँ से लगभग ड्रा होगा, ठीक है। तो ये हमारा ओपन स्फीयर 1/8 आपको लगा समथिंग ये पॉइंट मिल रहा है, ये भी हमारा ओपन स्फीयर के अकॉर्डिंग प्राप्त हो रहा है, कोई डाउट इसमें नहीं है, ठीक है। तो हमने एग्जांपल ले लिया है ओपन स्फीयर का, अब मुझे एग्जांपल लेना है यहाँ पर क्लोज स्फीयर के, तो क्लोज स्फीयर के लिए चाहे मैं ये एक बता रहा हूँ आपको, तो आप बाकी समझ चुके होंगे काम, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं क्लोज स्फीयर का एक एग्जांपल ले रहा हूँ, तो हो जाएगा मेरे पास क्लोज स्फीयर एट द सेंटर 1/2 विद रेडियस 1 इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन एक्स कमा 1/2 लेस आर इक्वल टू, बिकॉज क्लोज स्फीयर है हमारे पास तो इसलिए हम इसको ऐसा लिख सकते हैं लेस आर इक्वल टू 1। तो इसको हमने अब डेफिनेशन फॉलो करानी है, तो डेफिनेशन मेरे सामने क्या है मॉड, तो मॉड एक्स माइनस वाई यानी कि एक्स माइनस 1/2 लेस आर इक्वल टू 1, ठीक है, ये हमारी डेफिनेशन चल रही है, मैं आपको थोड़ा शॉर्टली बता रहा हूँ, थोड़ा ध्यान देना डेफिनेशन, बाकी मैंने आपको समझा दिया था और लिख भी दिया था, ठीक है। तो मैं इसको अगर सॉल्व करूंगा तो आगे हो जाएगा माइनस 1 लेस आर इक्वल टू एक्स माइनस 1/2 लेस आर इक्वल टू 1। अब आपको क्या करना है, बोथ साइड 1/2 ऐड कर लेना है, तो यहाँ से वैल्यू मुझे मिल जाएगी माइनस 1/2 में अगर 1/2 ऐड करेंगे तो, यानी कि सॉरी माइनस 1 में अगर 1/2 ऐड करेंगे तो माइनस 1/2 बचेगा हमारे पास लेस आर इक्वल टू एक्स लेस आर इक्वल टू 1/2 में अगर 1 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 3/2। अब यहां से मुझे अपना इंटरवल क्रिएट करना है, तो आप ही जानते हैं कि माइनस वैल्यू तो क्रिएट यहां पे मतलब मिल नहीं सकती है, क्योंकि माइनस का मतलब होता है जीरो किधर जाना, और हमारे इंटरवल जो है जो हमें इस पे ड्रा करना है अपने इसी रेंज में ड्रा करना है, तो मेरे वैल्यू क्या हो सकती है एक्स की, और यहाँ ये मतलब एक्स की ध्यान देना एक्स बिलोंग टू मतलब आपका एक्स यहाँ हो सकता है, ठीक है, मतलब ये ले सकते हैं आप एक्स में, तो मतलब मैं जीरो ले सकता हूँ इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बस 1/2 मुझे मिल नहीं रहा तो मैं जीरो ले सकता हूँ, क्योंकि इधर से मुझे लिमिट लोअर लिमिट सबसे लोअर लिमिट जीरो, इससे लोअर माइनस कम नहीं मिल रहा है, इसलिए मैं जीरो ले सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब अदर इसमें बोला है एक्स हमारा 1 भी ले सकते हैं, तो हम ये देखते हैं 3/2 1 से अबव जा रहा है
क्योंकि 1.5 मतलब ये 1 से अबव जा रहा है, 1 से अबव मुझे वैल्यू है नहीं, तो मैं मैक्सिमम वैल्यू कहां से ले सकता हूं, ये मैं ले सकता हूं 1 तक, तो यहां पे हो जाएगा 1। तो आप समझ चुके होंगे क्लोज इंटरवल हमें चाहे निकाल सॉरी क्लोज स्क्वायर निकालना हो चाहे मैं ओपन स्क्वायर निकाल लूं, बस इसके अगर हमें कंडीशन पता है तो हम इस तरीके से ओपन स्क्वायर और क्लोज स्क्वायर सॉल्व कर लेंगे। आई होप आपको पूरी वीडियो समझ में आ चुकी होगी। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो, और वीडियो को लाइक करें अगर आपको ये वीडियो पसंद आई।